हाय, आप देख रहे हैं प्लेनेट भोजपुरी। प्लेनेट भोजपुरी के सभी दर्शकों को अविनाश शाही और गर्मी अरुणा का प्रणाम। ये बहुत ही प्यारी चैनल है। भोजपुरी की तमाम न्यूज़ आपको मिलती है देखने को, तो इसे ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। पहली बार बन रही है जोड़ी हमारी, मैंने पहली बार मुलाकात हुई थी इनसे, गरिमा जी से, हमारे एक स्टूडियो में। तो मैंने बोला कि आप भोजपुरी मूवी करेंगी, तो इन्होंने बोला कि ये भोजपुरी मूवी तो अभी सोचा नहीं है। मैं बोला कि ओरिजिनल्स में ऐसे कुछ नहीं होता, स्टोरी अगर डिफरेंट हो, अच्छी हो, तो आप ज़रूर कीजिए। तो इन्होंने बोला आप बताइएगा मुझे। तो संजोग से ये स्टोरी का प्लान था और वो मेरे नज़र में वो जो हीरोइन का करेक्टर था उसके लिए बिल्कुल फिट थे। तो इनके सामने ऑफर गया, इन्होंने स्टोरी को सुन करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत दिलचस्प तरीके की है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसको करूँ। और थैंक यू सो मच अविनाशी, आपने मुझे ऑफ़र किए मूवी कि मैं कर पाऊँ इसको। मेरा नाम गरिमा और रहा है, मैं यूपी से हूँ, बरेली से हूँ, चुमका सिटी जिसे कहते हैं, प्रियंका चोपड़ा का शहर के नाम से भी जानते हैं, और बहुत सुंदर सिटी है। अदरवाइज़ मैंने बॉलीवुड में अभी एंट्री की है, अदरवाइज़ मैं टीवी सीरियल्स में काम करती हूँ, लाइक कुमकुम भाग्य, परदेश में मेरा दिल, काफ़ी सारे शोज़ मैंने किए हैं लाइक टेलीविजन पे, बिग मैजिक, सोनी। अभी ये भोजपुरी कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे भोजपुरी दर्शक जो हैं, श्रोता हैं, वो इनको ऊंचाई के शिखर पर पहुँचाएंगे जैसे सबको पहुँचाया है। फिल्म के बारे में यह है कि एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है, ये बहुत अच्छी फिल्म है। इससे हमारे समाज में एक नया प्रेरणा मिलेगी, युवाओं को एक नया सीख मिलेगी, प्यार क्या होता है और प्यार को, प्यार के लिए हमें अग्रसर नहीं होना चाहिए। प्यार एक पूजा है, प्यार एक केयरिंग है, और जो पुराने ज़माने में प्यार होती थी, लैला मजनू ही रंजा सिर फरहाद की तरह प्यार करो वरना मत करो। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मनीष शंकर जी ने इससे पहले भी एक फिल्म बना चुके हैं, ये दूसरी मूवी है। डायरेक्टर हैं गोपाल पाठक जी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं बिहार के। करने जा रहा हूँ मेरे सपनों के राजकुमार पवन एक्सप्रेस, दयनीय है। खुशी की बात है कि इन्होंने उसे पसंद किया और इनके साथ काम करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ। मोहब्बत तो आज के टाइम में रही ही नहीं है, ये तो आप सब जान चुके हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि जो भी लोग हम लोग को देखें उस तरीके से कि लोगों के दिल में वो प्यार दोबारा से आ जाए। अभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि गरिमा जी मोहब्बत से उब चुकी हैं, इनको उस टाइप का मोहब्बत नहीं मिला, सब फ्रॉड मिले। अब ये सिर्फ एक ही मोहब्बत इनके दिल में है और इनकी कैरियर और इनका फिल्मी कैरियर, तो उस मोहब्बत से ये न उबे, इसलिए आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और इनको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और इनकी मनोबल को बढ़ाइए। तो लाख सब्सक्राइबर होने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, जल्दी से 2 मिलियन हो जाए। ये मोहब्बत की आज मुहूर्त हुई है, तो ये मोहब्बत आप लोग बरकरार रखिएगा, इस चैनल को भी दीजिएगा। क्या ये मोहब्बत प्लेनेट भोजपुरी को? प्लेनेट भोजपुरी।